मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे भी इस ऐतिहासिक और बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यक्रम में आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला है। अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी आपके सामने बता रहे थे कि कारगिल की विजय दिवस को जब हम कल मनाएंगे तो कारगिल के विजय दिवस के अवसर को रजत जयंती के रूप में 25 साल पहले हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी और भारत के सम्मान का की रक्षा की थी उसको हम याद करेंगे। मैं बैठा बैठा सामने जब देख रहा था तो आप सब लोगों को देख करके मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा था कि जब शायद कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय आप सब में से अधिकतर लोग शायद कोई 2 साल का होगा, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारे युवा साथी जो शायद इस दुनिया में उस समय आए भी नहीं हों। लेकिन मित्रों, ये वीर जवानों का अभिनंदन का अवसर है और जब मैं वीर जवानों के अभिनंदन की बात करता हूं तो कारगिल का विजय दिवस इस रूप में मना करके हम भारत के उन वीरों को, उन वीर सपूतों को जिनके शौर्य के कारण जो पाकिस्तान ने कारगिल की भूमि पर कुत्सित निगाहें डाली थी, उसको उसके उनके इरादों को, जो उनकी सोच थी, उसको चकनाचूर करके कारगिल पर फिर से तिरंगा लहराया था, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए और इसलिए हम इसको विजय दिवस के रूप में तो मनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन वीर जवानों के शौर्य को और उनके बलिदान को भी हम हमेशा याद करते हैं।